अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफिया से होंगे। आज हम अपने एक चैनल पे फार्मेसी एग्जाम गाइड में कुछ अलग तरह की चीज लेके आ रहे हैं। इसे तो चलती रहती है, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कुछ अलग सा हो, जिसमें हमारे होस्ट जो है ना, माशाल्लाह जानी पहचानी शख्सियत है। किसी नहीं, हम जरा थोड़ा आगे चले गए थे तो होश नहीं गया उसमें। हमारे वो जानी भरी शख्सियत है, इनका नाम है, किसी तारफ के मुताबिक फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनका नाम है शाहान। तो ये हमारे जो भाई है माशाल्लाह सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत आगे तक गए, तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। तो आज हम पूछते हैं इनसे कि इनकी कामयाबी का राज क्या है, तो यहाँ तक ये पहुंचे हैं किस तरह पहुंचे हैं, इन्होंने क्या क्या मुश्किल और क्या क्या इन्होंने नई चीजें देखी है बस कर दे, बस कर दे। तो भाईजान से पूछते हैं, तो भाईजान आप बताएं कि कैसा रहा आपका साल, कैसा रहा जो पिछला साल गुजरा? जी भाईजान बस अच्छा। जो गुजर गया चंद मिनटों का हमारा जो मेहमान है यार साल, तो मतलब इसमें काफी कुछ हमने सीखा है, ठीक है, काफी कुछ आगे सीख रहे हैं और इंशाल्लाह काफी कुछ आगे सीखेंगे माशाल्लाह। इंसान को मुश्किलात आती रहती हैं, जैसे मतलब इंसान अप्स एंड डाउन से इंसान आगे जाता है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, जैसे सेल्स मार्केटिंग की बात की है, इसमें कहते हैं कि स्टार्ट पे मतलब बच्चों को ये होता है कि यार हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम मतलब ऐसी फील्ड में जाएंगे कि हम ऑफिस जॉब हो, आराम से बैठे एसी में बैठे तो नाम के हमारे हमारे सामने कुछ जो भी हो सड़ सड़ गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आपने ग्रेजुएशन की है आपको मार्केट के लिहाज से चलना पड़ता है और आपको अपनी फील्ड उस लिहाज से चूज करनी पड़ती है जिसपे आपका इंटरेस्ट हो। गुड हो गया। अच्छा ये बताएं कि आपका ये साल मुश्किल रहा कि आसान रहा, कैसा रहा? देखिए मुश्किल तो हर इंसान के जिंदगी में आती हैं, बेशक, ठीक है, उनको डील कैसे करना है ये इंसान पे डिपेंड करता है। गुड आगे बताएं। इंसान तो खुद डिपेंड करता है कि उसने मुश्किलात का कैसे सामना करना है, उसे कैसे डील करना है, ठीक है। अच्छा ये बताए कि चलो इंसान हर कोई सोचता है कि आने वाले साल में मैंने क्या क्या करना है, क्या चीज अचीवमेंट करनी है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने सोचा हुआ है कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियां पैदा करे, तो या मैं बाहर टूट जाऊँ या मैं अपना कोई कारोबार सेट कर लूँ या फिर कोई ऐसी जगह चला जाऊँ जो कोई एक अच्छी जगह हो, मेरे लिए आसानी हो जाए। तो आपने इस बारे में क्या सोचा? देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने जैसे सेल मार्केटिंग की फील्ड चूज की है, ठीक है, अब मैंने इस पे ही अपना अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा इंशाल्लाह ना, इंशाल्लाह। तो ये मेरा पाकिस्तान में ही रहने का माइंड है फिलहाल, ठीक हो गया। मतलब इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, exactly. जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। हम तो दुआ करते हैं कि हमारे भाई बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाएगा, उत्ते पहुंच जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। तो अच्छा इसके अलावा ना हम अपने भाई शाहान भाई से पूछेंगे कि जो नए बच्चे इस वक्त ग्रेजुएट होने वाले हैं तो उनको इनकी तरफ से क्या मशवरा होगा, उनको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर जिसमें उनके लिए आसानी पैदा हो। देखिए जब मतलब 5 साल इंसान जो होता है वो स्टडी करता है, फॉर्म भी भरता है, मेहनत करता है, मैं ये सोचता हूँ कि उसे 5 साल में मतलब पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीसरे साल से आगे जब उसका 4th ईयर स्टार्ट होता है तो उसको इस चीज़ का अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैंने वो आगे फील्ड कौन सी चूज करनी है। आइधर मैंने इंडस्ट्री में जाना है, क्यूए में जाना है, क्यूसी में जाना है, कि आइधर मैंने सेल्स मार्केटिंग में जाना है, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए ना मतलब काफी बच्चे होते हैं वो 5 मतलब जब वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो आके बाहर मार्केट में देखते हैं कि यार हमने इंडस्ट्री में जाना, हमने इसमें जाना है, वो एक एक साल एक अगर क्यूसी में लगाएंगे, इंडस्ट्री में लगाएंगे, अगला साल उसको सेल्स मार्केटिंग में लगाएंगे, हाँ, उनको समझ लगे कि यार ठीक है मैंने ये चीज चूज नहीं करना, मैंने ये चूज करना है, ठीक है, 2 साल तो उनके यहाँ पे जाया हो गए। उसके बाद वो उनको लास्ट में पता लगता है यार नहीं वो मैंने वो चूज करना था, मैंने रिटेल फार्मेसी पे जाना था, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था तो मुझे रिटेल चूज करनी चाहिए। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आपने ड्यूरिंग स्टडी ही आपने 4th एंड 5th ईयर में आपने आपका एक गोल डिसाइड हो, अपना एक गोल को आप डिसाइड कर लें कि मैंने आइदर मैंने इंडस्ट्री में जाना है, आइदर मैंने सेल्स मार्केटिंग में जाना है, आइदर मैंने बाहर जाना है। बिल्कुल ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा शान भाई इसके अलावा ना मेरे एक छोटा सा एक प्यारा सा सवाल है कि आप माशाल्लाह इतने फेमस हुए हैं हमारे चैनल के थ्रू, आपने इनमें बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कभी आपने शुमैला की कहानी एक सीजन था उसमें काम किया है और उसके अलावा आज से लेटेस्ट जो वीडियो है
चांद देखी, वो उसमें आए हुए हैं कैटेगरी वाली, रेड पे जिसमें आपने फीमेल का करेक्टर किया, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, आप कैसे कर लेते हैं ये सारा, ये कैसे आपका इतना एक्टिंग निकलती है? जैसे देखें बात भला क्या है, बात इतनी सी है कि जैसे जैसे मेरे बड़े भाई लाइक भाई हैं, जी ठीक बिल्कुल है, जी जी उनका ही भला हो, मतलब वो हमें इस प्लेटफॉर्म में लाए हैं, ठीक है, जैसे सर आप हो गए, तुफैल हो गया, बिल्कुल जी हमजा हो बिल्कुल गया, ठीक है, मैं हो गया, तो हमारी टीम ऐसी है, मतलब हम ना, मतलब जैसे देखे यूनिवर्सिटीज में लोग आते हैं, मतलब लेक्चर देख चले जाते हैं कि आप आए हैं, मतलब एक एक घंटे का लेक्चर हो जाता है, बच्चों के सर से गुजर जाता है कि वो बिल्कुल अपना मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों को कोई समझ नहीं आ रही होती, ठीक बेशक। है, वो ऐसे ही मतलब एक खाना पूरी कर रहे होते हैं, ठीक हाँ है, वो नहीं होना चाहिए वो सारी लेकिन चीजें। लेकिन हमारा जो वे है ना डिलीवरी का, मतलब हम जो मैसेज अपना डिलीवर कैसे कर रहे हैं। अफजा भाई आप जो चुप करके थोड़ा लेट जाए, हमें पूरी वीडियो बना रहे हैं। चले भाई जरा हाँ, बताए जैसे हम अपना मैसेज डिलीवर कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अब बेशक। देखें इस पे एक क्रिएटिवनेस भी है, मतलब कैसे बच्चे समझते हैं कि यार ठीक है, इस पे थोड़ा सा एंजॉय भी है वीडियो में, ठीक बिल्कुल है, और इस पे अपना अपना मैसेज भी ऐसे डिलीवर कर देते हैं, हाँ ये सबसे बच्चे बड़ी फिर बात पूरी है। वीडियो देखते हैं, ठीक है, तब उनको माइंड में आता है यार ठीक है, ये बात भी है, इसमें ये चीज भी कवर होगी, ये चीज भी पता है कवर क्या, होगी, हमारा जो सब्जेक्ट है ना फार्मेसी, अगर देखा जाए तो ये बहुत बोर सा सब्जेक्ट है, एग्जैक्टली तो इसको कुछ अलग तरह सा करना, कुछ ऐसा कि सबक भी हो जाए, थोड़ी वीडियो भी अच्छी बन जाए और थोड़ा हंस भी लें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हंसी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ऐसी है, महंगी हो चुकी है, तो हमारे भाई इसलिए बिल्कुल चाहते हैं ऐसी कि है। थोड़ी मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पे अच्छा, इसके बनाए। अलावा हम शान भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, कि जो उनकी लास्ट वीडियो में जो फीमेल बने हुए थे, तो वो एक जो आवाज थी ना, वो हम सुनना चाहते हैं दोबारा से, उनके अंदर की जो औरत थी वो वाली वीडियो, अंदर की औरत आवाज के क्या मतलब है? वो। चले भाई चले करके दिखाए, वो आवाज निकाल के दिखाए। देखिए मैं आवाज कैसे निकाल सकता हूँ, क्या सुन निकाल सकती हूँ, इसमें ऐसी ही है, मतलब आपने जब आपने क्रिएटिवनेस करनी है तो आप हर एक एंगल से जाके सोचते हैं, हर एक एंगल में जाके घुसते हैं, ठीक है, देन आपको पता लगता है ठीक है मैं अपने ही अंदर एक औरत हूँ। देखिए वीडियो करते करते औरत भी बन गए हम। अच्छा इसके अलावा ना आपको एक जो सबसे मजे की बात बताना चाह रहा हूँ, कि जो हमारे शाहान भाई हैं, ये ना गाना जो है ना बड़े प्यारा अंदाज में, इनकी आवाज जो है ना दिल को लुभा जाती है। इन्होंने लेटेस्ट जो है ना जो चाहत फतेह अली खान जो इतना मशहूर हुए हैं, उनको भी चैलेंज किया, तो आइए सुनते हैं इनकी आवाज में वो कुछ हमारे मुर्शिद हैं क्या यार। बात है, चले सुनाए जी शाहान भाई। केसरिया तेरा इश्क है पिया, अरे रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाओ, सरिया तेरा दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर खैर नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा आला आला। मनाओ केसरिया। अच्छा, तो वैसे मेरे आपसे भी मतलब एक दो क्वेश्चन है, जी जी शान भाई आप उन्हें पूछिए भी मतलब जरा एक्सप्लोर करते जरा, मतलब क्या चीज है। जरूर अच्छा, जरूर आपने ग्रेजुएशन माशाल्लाह 2-3 साल हो गए की हुई है, जी आप बिल्कुल। एक ही फील्ड में घुसे हुए हैं, रिटेल फार्मेसी में, इसका क्या मतलब राज पीछे क्या है? पता है क्या, मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर काम करना है कहीं पे भी, जैसे मैं कर रहा हूँ रिटेल सेटअप पे, तो माशाल्लाह लाहौर का या कह लें कि पंजाब का बहुत एक अच्छा सेटअप है उनका, तो माशाल्लाह से उनका एक वहाँ पे रिस्पेक्ट फार्मासिस्ट की वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे मैं हमेशा अपनी अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब ड्यूटी कर रहे हो तो 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी वैसे बोर होती है, अगर उसको एंजॉय करके करोगे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं करोगे, तो वो बहुत अच्छी से गुजरेगी। तो इस तरह करते कराते पता भी नहीं चला कि जिंदगी के 3 साल कैसे गुजर गए, पूरे मुझे आज 3 साल हो गए हैं काम करते हुए एज अ रिटेल फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट। अच्छा, आप इससे आगे खुद को कहाँ पे देख रहे हैं, मेन मैं फार्मेसी में रह के? हाँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर तो अल्लाह पाक ने मौका दिया, तो जिंदगी ने भी साथ दिया, तो हम इंशाल्लाह कोई अपना कारोबार करेंगे, या फिर जो सबकी एक चाह होती है कि बाहर जाने की, अगर तो वो बन गया तो वो, वरना अदरवाइज अपना जरूर कारोबार करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे एक इस चीज को क्लियर कर दें कि अगर एक बंदा है मतलब वो मिडिल क्लास है, उसने पाकिस्तान में ही रहना है, ठीक है, अब वो रिटेल फार्मेसी ज्वाइन करे अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, जैसे आप कह रहे हैं मतलब एक रिटेल फार्मेसी में सिर्फ आप फार्मासिस्ट आ तक रह सकते हैं, ठीक है, जी आप बिल्कुल इस पे मैनेजरियल पोस्ट पे जा सकते हैं आप। हाँ जी जरूर। जो हमारा एक सेटअप है जहाँ पे मैं काम करता हूँ,
तो वहां पे उनके जो ओनर हैं उन्होंने खुद अपनी जबान से मुंह से बोला हुआ है कि ये चीज जो है, जो फार्मासिस्ट अगर मैनेजर बनना चाहते हैं तो मैं जरूर उनको फुली सपोर्ट करूंगा, उनकी फाइनेंशियली उनकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो अक्सर मेरे जो कोलीग्स वगैरह हैं उन्होंने माशाल्लाह मेहनत की है, कुछ आगे भी गए हैं, कुछ मैनेजर भी लगे हुए हैं, तो हम भी अपने उसी कोशिश में हैं। अगर तो वहां पे रहे तो कुछ और ट्राई करेंगे, जो अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, हम हमारे नसीब में वही होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और आप क्लिनिक्स भी जॉब कर रहे हैं ना जी अभी? बिल्कुल जी अच्छा, बिल्कुल क्लिनिक्स बिल्कुल में। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। तो इसके इसके साथ ही हम अपने जो चीफ गेस्ट हैं हमारे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना हमें टाइम दिया, इतने थैंक यू थैंक यू मौके टाइम थैंक यू पे सर। उन्होंने हमारे लिए वीडियो बनवाई। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा ही दबा रहा।